दिल्ली के गोंडा जनपद के तरबगंज विधानसभा से समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए रामभजन चौबे पत्रकार के सामने भावुक होते नजर आए। वहीं इस दौरान प्रत्याशी रामभजन चौबे ने कहा कि जिस उद्देश्य से सपा ने मुझे प्रत्याशी बनाया है उसका मैं 100% अनुपालन करूंगा। साथ ही कहा कि अगर जनता ने भरोसा जताया तो तरबगंज विधानसभा को एक अलग अंदाज दूंगा। कैसे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चाहता हूँ कि इस देश के भावी प्रधानमंत्री के रूप में भी कल आए। आपने अपना राजनीतिक सफर ग्रामीण स्तर से शुरू किया सर जी, आपके मन में कैसे आया कि अब हमें बड़ी राजनीति करनी चाहिए, विधानसभा जाना चाहिए? मैं तो 67 से 82 तक बैलगाड़ी चलाने का काम करता था, लेकिन 82 में हमारी गांव की जनता ने हमें प्रधान पद पर चुना और प्रधान पद पर रहते हुए आज तक मैं मेरा परिवार ही उस प्रधान पद पर है। और जब मैंने हमारी जनता की सेवा करने का हमें एक अंदर यह लालसा हुई कि हम अपने गांव से उठकर समाज को भी देखें, तो मैंने 2012 में बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेकर के और मैदान में उतरा। विधानसभा में आपका जो क्षेत्र है सर जी, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, आज तो देखा गया जितने भी प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र में चुन करके गए सभी ने बंधे का धंधा किया है, आज तक सिर्फ कमाई का काम किया है, हर वर्ष बंधा कट जा रहा है, करोड़ों रुपया खारिज हो रहा है उसके। तो आप जब विधायक बनेंगे उस करप्शन को कैसे रोकेंगे, आपके मन में क्या है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बात ये कहा है बंधा के बारे में कि हम इस बंधा को पक्का सीसी करवाएंगे, जो ये बगल की दीवार होती है जहाँ कटती है उसे हम पक्का करवाएंगे और बंधे के किनारे गो आश्रय हम तमाम ऐसे टीन सेट तैयार करेंगे कि क्या भाई अगर बाढ़ आती है तो हमारे बाहर के लोग जो बंधा के पानी में फंसते हैं वो आकर के टीन सेट में अपना शरण लें। इस बंधे पे जो पैसा खारिज हुआ सर, गरीबों का पैसा कुछ लोगों के जेब में चला गया, मैं नाम नहीं लेना चाहता जी, जी। तो अगर आपकी सरकार बनती है, आप चुनाव जीतते हैं, तो क्या उस पर भी कुछ कार्रवाई कराएंगे? कार्रवाई कराएंगे, जांच कराएंगे और उसे पूरा आश्वासन मैं जनता के बीच में जाकर के इस बात को बताऊंगा कि आपका पैसा है, आपका पैसे का दुरुपयोग किया गया है और इसको मैं फिर वापस लाने का काम करूंगा। आप सर शुरुआती दौर राजनीति शुरू किए हैं गरीब परिवार से, जैसा कि आप बता रहे हैं जी। आप गरीबों की पीड़ा को समझते हैं, किसान के आप नेता हम कह सकते हैं, आप एक अच्छे इस समय अच्छे व्यवसाय से भी जुड़े हैं जी। पैसा है, आपका पैसे का दुरुपयोग किया गया है और इसको मैं फिर वापस लाने का काम करूंगा। आप सर शुरुआती दौर राजनीति शुरू किए हैं गरीब परिवार से, जैसा कि आप बता रहे हैं जी। आप गरीबों की पीड़ा को समझते हैं, किसान के आप नेता हम कह सकते हैं, आप एक अच्छे इस समय अच्छे व्यवसाय से भी जुड़े हैं जी। लेकिन जो आपने दर्द सहा उस दर्द को महसूस कर सकते हैं, किसानों के दर्द को महसूस कर सकते हैं, ये अपना गोंडा जनपद ही पूरा पिछड़ा है, यहाँ व्यवसाय की कोई सुविधा नहीं, उद्योग की कोई सुविधा नहीं, क्या आपके पार्टी के नेताओं के मन में या आपके मन में कुछ विचार है कि कुछ औद्योगिक विकास किया जाएगा? क्या अगर हमें मौका मिला सर तो तारबगंज की विधानसभा में उद्योग का जाल बिछाने का काम करेंगे जिसमें लोगों को रोजगार मुहैया। आपको टिकट मिलने के बाद में क्षेत्र में जनता का रिएक्शन क्या है, जनता चाहती क्या आपसे, इसके बारे में बताइए। जनता तो आज बहुत खुशी मुद्रा में है, 80% जनता हमारे साथ खड़ी है, सुबह 5 बजे से लेकर के और अभी तक जन सैलाब लगा हुआ था, गाड़ियों का तांता लगा हुआ था, लोग बधाइयां दे रहे थे और आज लोगों में इतनी खुशी है, परिवर्तन की बयार बह रही है, लोग बदलना चाहते हैं, इसलिए राम भजन को लखनऊ में विधानसभा तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। करमचंद विधानसभा में युवा ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार, युवाओं के लिए आप क्या करेंगे? युवाओं को लिए मैं बेरोजगारी भत्ता दिलाने का काम करूंगा और रोजगार से जोड़ने का काम करूंगा, क्योंकि रोजगार कुछ तो हमें पता है और कुछ मैंने एक दिन इंजीनियरों से आपके नौबस्ता में इंजीनियर साहब से बात कर रहा था कि उद्योग को हम बढ़ावा कैसे दें। आपने कहा कि तरबगंज विधानसभा में अगर आपको मौका मिला तो पूरा का पूरा तरबगंज औद्योगिकरण होकर के रोजगार मिलने का काम। नौबस्ता की वो कौन है जो आपको ऐसा सलाह? एक श्रीवास्तव जी है, पूर्व प्रधान थे, अमेरिका में वो रहे थे, इंजीनियर हैं,
और वो हमसे इस बात को, जब मैंने उनसे बात की कि सर आप तो पूरा उद्योग यहाँ चलाते हैं, बिजली का काम, एलईडी बल्ब बनाते हैं, लेकिन हम लोगों को भी बताऊं, न जानकारी होने के नाते हम लोग उद्योग पर बढ़ावा नहीं दे पाते। क्या उनसे प्रेरणा लेकर के आप भी करेंगे? उन्होंने कहा कि हम खाली समय में आप चुनाव हो जाए तो बैठ करके आपको प्रशिक्षण देंगे और उद्योग को बढ़ावा देंगे।